नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान, मंच सजा है। मंच पर देश के कोने कोने से आए बड़े बड़े नेता बैठे हैं, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक एक कर नेताओं को बोलने के लिए मंच पर बुला रही हैं। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी, स्टालिन, कुमार स्वामी, अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला बोलकर जा चुके हैं। फिर आते हैं केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और पूरा महफिल लूट ले जाते हैं। केजरीवाल आज फुल फॉर्म में थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर मोदी जी की आत्मा घुस गई है। मतलब एकदम उन्हीं की स्टाइल में उन्हीं को हराने की अपील कर रहे थे। केजरीवाल ने अपने भाषण में 70 साल का भी जिक्र किया और पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ये भी कहा कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो भाजपा को हराइए, नहीं तो ये देश तोड़ देंगे। केजरीवाल ने क्या कहा, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। आज भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दिन है। 5 साल में मोदी शाह की जोड़ी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज पूरा देश इन दोनों से परेशान है। मोदी जी ने झूठ बोलकर युवाओं से वोट लिया था, कहा था इतने करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, वो तो दिया नहीं, बल्कि नोटबंदी की वजह से 125 करोड़ नौकरियां खत्म जरूर कर दिया। किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मोदी जी अपने बिजनेसमैन दोस्तों की मदद कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ट्विटर पर ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं को गाली देते हैं। 70 साल में जो पाकिस्तान न कर पाया वो मोदी और अमित शाह ने कर दिखाया। इनकी जोड़ी देश तोड़ने का काम कर रही है, यही पाकिस्तान चाहता है। अगर ये दोनों दोबारा साथ में आए तो ये देश तोड़ देंगे। मैं जब इनके बारे में सोचता हूँ तो अंदर तक कांप जाता हूँ। ये इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं। कुछ भी करो, 2019 में इन्हें सत्ता से हटाओ। 2019 का चुनाव मोदी और अमित शाह को भगाने का चुनाव है। इस देश में जिसके भारत के प्रति जरा सी भी भावना होगी तो उसको एक बात ठान लेनी चाहिए। जो जरा सा भी देशभक्त है वो बस एक बात याद रखे, कुछ भी करे इन दोनों को सत्ता से भगाए। मैं जब आ रहा था तो बहुत दुविधा में था, लेकिन ये भीड़ देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है। आज ये भीड़ देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। केजरीवाल के बाद तेजस्वी यादव भी बोले और शत्रुघ्न सिन्हा भी बोले, लेकिन जैसा केजरीवाल बरसे वैसा कोई न बरसा। शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं और ममता बनर्जी भी नहीं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। ब्रिगेड ग्राउंड पर तृणमूल कांग्रेस की इस रैली में करीब करीब 20 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरुण सौरी, हार्दिक पटेल समेत कई नेताओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। रैली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, डीएमके प्रमुख स्टालिन, पूर्व पीएम देवगौड़ा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शरद यादव, शरद पवार समेत कुल 23 दलों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हुए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा ऐप इंस्टॉल करिए।